उनका गुरु होता है। ये ठीक है, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। किसी भी समस्या है, एक राक्षस है जो खा जाता है लोगों को। ये दिखता है नहीं, फिर दिखता नहीं, कैसे पता है? इसी से ही तो बहुत परेशान है। जब मैं पूजा करती हूँ ना, जब आता मेरे अंदर, मैं खा जाता। अच्छा, तो पूजा करेगी कल, मैं देख लूँ। चलो इसको लेके जाओ, क्या नाम है इसका? चलो आप, चलो पीछे चले जाओ, बिल्कुल पीछे चले जाओ। अब बताओ, सुनो क्या है, बताओ साक्षी, ध्यान से सुनना। इसलिए भेजा उसके पीछे। डॉक्टरी कराई थी? कितने दिन कराया डॉक्टरी इलाज? 3 साल में आराम पड़ा नहीं, 1 रुपये का भी। डॉक्टर पैसे पैसे खा गए, पैसे के चोर रहे। हाँ, जो है समस्या बन गई है डॉक्टरी भी आ गए ना, लेकिन जिन का भी उसके दिमाग पे बहुत प्रभाव है, दोनों प्रभाव है, दोनों इलाज कराने पड़ेंगे एक साथ। लेकिन कब? जब यहाँ उसकी 8 फेरी हो जाए उसके बाद आगे ना, तब आराम पड़ेगा। वैसे नहीं बताओ तुम्हें क्या होता है? हाँ, यही रोग है ना जो इसको है, ये मैंने देखा है। आपको मैंने सवेरे बताया भी था, आपको तेल लगाना है दीपदान का, जैसे वो लगा रही है। यार रुको, कुछ दिन तेल भी लगाओ और आराम पड़ेंगे आपको। ऐसे ही दर्द इसके अलावा कहीं है पूरे शरीर में? ये पैर में ही रहता है। ये पैर कहाँ दर्द कर? ये सोराइसिस की दिक्कत है। ये जो दिक्कत आप बता रहे हो, हमारे यहाँ जो स्किन एलर्जी होती है, ये सारी की सारी पितरों से उत्पन्न होती है। किसी को डॉक्टर कोई रोग का नाम देता है, किसी को कोई रोग का नाम देता है। 80% लोगों को, जितनों को भी स्किन की प्रॉब्लम है, केवल पितृ दोष है। मैं क्या कह रहा हूँ, तो आपकी अगर पितृ दोष की होगी, 3 दिन तेल लगाओगे, 3 दिन में पता चल जाएगा। उसको पता चल गया ना, फिर अभी उन्होंने दवाई नहीं खाई ना। तू भी बताओ कैसा देखा था तुमने उसको? फिर ऐसे अगले महीने देख लेना। जो इनके हस्बैंड है, मेरे दामाद है, बेटी है मेरी, तो वो क्या है कि गेहूं नहीं खा पा रहे। तो वो पितरों की तो एलर्जी है भाई, क्या दोनों आके रहो, दोनों आके 8 फेरी करो, आगे ना, पितरों की ही एलर्जी है। आप समझे नहीं, पहले मैं कितना लोगों को गेहूं खिला पा रहा हूँ, आगे ना, अभी भी एक आती है, आपको मिला दूंगा बकायदा। आगे जब आप यहाँ रुकोगे तो कोई ना कोई आता रहता है गेहूं की एलर्जी वाला। पहले भी 2 औरतों की मैंने गेहूं की एलर्जी बंद करा दी, होती नहीं है, डॉक्टर ने गठित कर दिया, दोष कोई और था। फिर आप रोटी खा पाते हो, कैसे खा पाते हो? मैं तो अपने यहाँ से ब्रेड और खिला के भेजता हूँ, 3 साल हो गए, ब्रेड और खिला के भेजता हूँ। चलो रुको, हाँ जी, आपको क्या होता है? क्या नाम है? दीप्ति को सवेरे क्या बताया था बताना? अब देखो, आपको जो चीजें बताई हैं, अगर कटी हुई होती है आपकी बागेश्वर जाके, तो हम बताते नहीं आपकी चीजों में लाभ हो गया? लाभ हुआ ही नहीं है, चीज तो वहीं के वहीं है। आप चाहे 1000 वो कराओ, ठीक है भैया, आप समझे नहीं, कोई आदमी अपना तप देगा, जप देगा, आपके लिए खुद हवन करेगा, वो भी वो जिसने अपने मंत्र को ऊपर तक पहुंचा है, तभी तो लाभ होगा, वरना तो क्या होगा भाई? यूं कह देने से गौतम ने सारा लिख दिया, ठीक हो गए। मैं लिख देता हूँ, इसने जितने पॉइंट उस लड़की को बताया है आपसे पहले, कितने पॉइंट बताया है? 100 से ज़्यादा पॉइंट बताए हैं, 4-3 लाइनें लिखते हैं कि नहीं? उसने बताया आपका घर है, घर का आगे है, उसमें 4 कीलें गड़ी हुई हैं, ठीक है। आप ऐसे ऐसे एक उस पे जाते हैं दरगाह पे, आपके ससुर देखने में ऐसे हैं, बताया ना उसने, कितनी विस्तार से बताया, कितने पॉइंट है लिखने को? 36 पॉइंट लिख दिए मैंने, 36 पॉइंट लिख दिए मैंने। अब लिख तो वो तो 3 ही लिख रहे हैं, हमने 36 लिख दिए, लेकिन निकालने के बिना फायदा क्या हुआ? वो बच्चे की चीज नहीं निकली, ऐसे ही करता रहा, फायदा क्या हुआ? नाभी के नीचे दर्द रहता है तुझे, हाँ तो आओ ठीक हो जाओ। ये बेटा अभी दर्द है? कैसे नहीं है? अभी दर्द हो नहीं है कहीं भी? नहीं, कभी कभी होता है। मेरे पति से बिल्कुल नहीं होती। वो हमारा कोई दोष होगा, किसी दोष के कारण होगा तो ठीक हो जाएगा। ये थोड़ी और तू देखने की बात नहीं है, नाम बता दो तो मैं आपको क्या बताओ। तुझे यही बात सवेरे बताई थी ना इसने? फिर
पूरा घर ही ऐसा। ये भी बताई थी कि उसको नहीं है, ये हमारा कुछ नहीं है, उसको तेरा ही सब कुछ है, तेरे कोई, तू अपनी चीज को निकलवा, तू अपनी चीज को निकलवा, वो बताया था ना, तू अपनी चीज को निकलवा, ठीक है, जब तेरी चीज निकलेगी बेटे। एक बार मान लिया स्त्री को कोई प्रेत है, उसके पास उसका आदमी आता है, वो प्रेत में जलन होती है, तो वो या तो उसकी खोपड़ी में बैठेगा या स्त्री में बैठ के उसको गाली देगा, दो काम करेगा। पहले जब तक वो प्रेत नहीं निकलेगा, दोनों का पता ही नहीं चलेगा क्या है क्या है। आगे ना, कितने लोग ऐसे हैं जिनकी निगेटिविटी निकली, बाद में वो एक दूसरे के प्रेमी बन गए, जैसे पहले थे। शादी तो प्रेम के लिए की जाती है, शादी गुस्सा करने के लिए, नफरत करने के लिए नहीं की जाती ना एक दूसरे से, ठीक है ना। चलो निकल लें दो चीज। हाँ जी, क्या होता है बताओ, अभी कहाँ है ये पूरा झगड़ा पड़ा है, पुरानी होगी ना चीज, बताई तो है भैया ने, जिनका संग है ना, बेटी है ना वो आपकी, आप लोग कैसे खड़े हो भाई, बेटी ना आपकी, श्रद्धा श्रद्धा है ना बेटी आपकी, बैठ जाओ भाई, क्यों कह रहे हो वाले के काम, वो बेटी है जी, बेटी की नंद, बैठ जाओ, जिनको बुला रहे हैं ना वो आएगा, सबको बुलाएंगे, सबको सवारी खेलती है, वो मैं देख लूंगा ना, सवारी खेलती है, बागेश्वर में बंद नहीं हुई, फिर खिलाते ही रहोगे सारी जिंदगी, आराम मिला, आराम उतने ही टाइम के लिए मिलता है जितने टाइम जाते हो, चीज ना कटती, धेले भर भी, रत्ती भर भी ना कटती, मेरे से पूछ लो, मेहनत करनी पड़ती है चीज के लिए, नामी गिराबी होना जरूरी नहीं है, काम करने वाला होना जरूरी है, आए ना समझ में। हाँ फिर अभी जैसे हम यहाँ आए थे पूरा, और यहाँ से गए हम तो बस कोई काम शुरू, अभी जैसे हम आए आज, वो बच्ची का बच्चे हैं, वो बच्ची के बच्चे, वो उनको दिखाई दे, चीज होती है ना, जैसे उस लड़के की घर से मंगाई ना, ऐसे अपने आप ही आ जाएगी, हम बैठे किस लिए, आएगा सब, चलो बोल शनि महाराज की जय। उस लड़के घर से मंगाई ना एक चीज, ऐसे ही तो मंगाएंगे, अपने आप आ जाएगी, चलो फिर वो क्या। हाँ भाई यहाँ आओ, आठ बार पितर से प्रेत से होगा, ठीक हो जाएगा, चलो आपको कोई दर्द है तो बताओ। हाँ जी।